हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। अभी बज रहे हैं 22:30। अब हम जा रहे हैं अपने घर और आज है 29 अगस्त। सो आज का दिन में एक रूल चेंज आया है कि भाई आप फ्रीली बाहर घूम सकते हैं। ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप जब लेंगे तो आपको मास्क लगाना है, वरना बाहर आप पूरे, आपने मेरे को देखा होगा कभी, मैं शॉपिंग सेंटर में जब मैं घर जाता था हमेशा मास्क पर, और अब ये मास्क हमने रख लिया अपनी जेब में। तो भाई आज बताने वाला हूँ होटल इंडस्ट्री के दो ऐसे फ़ायदे क्या हैं जो आपको बहुत खुश करेंगे, और तीन फायदे हैं, मैं एक फ़ायदा और बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। नुकसान तो है ही है भाई, यहाँ काम करोगे, मेहनत करोगे, पैसा कमाना है तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन फ़ायदे क्या क्या है वो चीज़ बहुत बतानी जरूरी है, क्योंकि भाई नुकसान एंड फ़ायदे दोनों ही जरूरी रहते हैं। तो पूरी देखो इस वीडियo को। Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, या YouTube की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देख लिया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देख लो। इस चैनल पर मोस्ट प्रोबेबली सिंगापुर से रिलेटेड और भी कंट्री से रिलेटेड आप एजेंसीज़ की वीडियो भी आती रहती हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो, अगर आप सिंगापुर से रिलेटेड जॉब देखना चाहते हो, इस चैनल को जाके देख लेना। टर्म्स एंड लॉज क्या हैं वो जाके देख लेना, जो यहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं, जो चेंजेस आते हैं वो जाके देख लेना, और सबसे ज़्यादा यूरोप की साइड की जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, और जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है मैंने पूरा अपलोड कर रखा है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, फ्यूचर में नोटिफिकेशन के लिए आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि भाई फ़ायदे क्या हैं। नंबर पहला फ़ायदा तो ये है भाई, खाना बिल्कुल फ्री होता है। आप किसी भी होटल इंडस्ट्री में काम करेंगे, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट हो या बड़ा हो, खाने का आपका पूरा खर्चा बचता है। खाने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी विदेश कंट्री में जहाँ डॉलर्स चलते हैं वहाँ पर आप रहते हैं, तो आपका 10 से 15 डॉलर्स मिनिमम एवरेज खर्चा होता है, और अगर आप रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री में काम करते हो तो 15 डॉलर आपकी सेविंग पूरा की पूरा आपका बचता है। दूसरी बात अब रहते हैं कि एकोमोडेशन। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइमिंग्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और होटल इंडस्ट्री में हमेशा कंपनी जो है वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। मैंने यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो फूड से रिलेटेड काम है, चाहे वो पैकिंग का है, सर्विस है, कुक है, या होटल इंडस्ट्री में हाउस कीपिंग वगैरह है, तो यहाँ पर जो उनके लिए है भाई एकोमोडेशन मोस्ट प्रोबेबली फ्री होती है। अब विदेशों में एकोमोडेशन की बात करूँ, सिंगापुर में करीब एक बंदे की जो एक बेड के 300 से 350 पड़ती है, तो भाई 700 से 800 डॉलर की आपकी पूरा फ्री मिल जाता है। नंबर तीसरे पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एजेंसीज़ की वीडियो आपकी इस चैनल पर आती रहती हैं। और किसी ने पूछा था कि ड्राइविंग की जॉब के लिए एजेंसीज़ या किसी और यूरोप कंट्रीज़ के ऊपर, पोलैंड, माल्टा के, उसके ऊपर वीडियो भी आती रहेंगी, तो इस चैनल को इसी तरह से प्यार बनाए रखो, और जितनी एजेंसीज़ की वीडियो, जितनी नॉलेज मुझे है मैं शेयर जरूर करूँगा, तो आप लोग उन जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपना करियर विदेश जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा फ़ायदा क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको टिप्स ज़्यादा मिलेगी। देखो ऐसा होता है, सर्विस इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो तो आपको कम्युनिकेशन जो है कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका रिलेशन सिंगापुर में, तो मैंने ऐसा देखा है, अगर आपका रिलेशन जो है कस्टमर के साथ बहुत अच्छा है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में, तो टिप, कहने का मतलब रोज़ की टिप है 10 या 15 डॉलर आपकी मिल जाती है। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हो, और अगर आप बियर वगैरह या पब बार में काम करते हो, तो भाई आपका 40-50 डॉलर भी टिप बनता है। मैंने देखा है कि नॉर्मली कभी कभी, मैं ही अपनी बात करूं, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में किसी दिन मुझे काम मिलता है, जब कोई पब्लिक छुट्टी होती है मेरे वर्कर, तो करीब करीब मैं 10 से 15 डॉलर आराम से टिप कमा लेता हूँ। किसी को सर्व करता हूँ, बियर सर्व करता हूँ, ऐसी चीज़ें करके 10 से 15 डॉलर आराम से कमा सकता हूँ। तो भाई अगर 10 डॉलर भी आप कमा रहे हो, तो आप हिसाब लगा लो कितने रुपए होते हैं, 450 डॉलर्स होते हैं एक महीने के, 1500, तो 450 का मतलब आपका करीब लगेगा, 450 को 50 से कर लो तो करीब 25,000 के आसपास आप कमा सकते हो एज अ टिप। तो होटल इंडस्ट्री के सबसे बड़े ये फ़ायदे तीन मैंने देखे हैं, खाना पीना रहना और टिप। अगर हम इनको जोड़ के कैलकुलेशन करें तो आपकी करीब 1,000 डॉलर्स की जो ये चीज़ें हैं वो आपका होता है। सैलरी अगर आपको 2,000 मिलती है, तो आपकी जो टोटल इनकम्स है वो 3,000 है, 1,000 काट दो तो आपके 2,000 डॉलर्स पूरे सेविंग्स में आते हैं। अब नुकसान क्या है, नुकसान तो भाई एक लॉन्ग आवर्स होते हैं, ऑड आवर्स होते हैं। ऑड आवर्स का मतलब है कि जब आपको फॉरेनर्स को मोस्ट प्रोबेबली वो काम कब काम दिया जाता है, जब आपको
नॉर्मल आवर्स में लोकल काम करते हैं, जो ऑड आवर्स में जैसे नाइट शिफ्ट है, पब्लिक हॉलीडेज़ में है, तो फॉरेनर्स को थोड़ा ज़्यादा काम मिलता है। यही एक नुकसान है, और आपके पास थोड़ा टाइम की कमी होगी, यही एक नुकसान है। और फ़ायदा मेरे हिसाब से होटल इंडस्ट्री में काम करने का फ़ायदा बहुत है, जो मुझे महसूस हुआ है, क्योंकि मेरा खाना पीना, रहना खर्चा, ये जो एक्स्ट्रा खर्चे पॉकेट, मेरी सैलरी जो है उसमें से मैं एक रुपया भी खर्च नहीं करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली उसी में मेरा काम चल जाता है। और किसी ने कहा था कि मेरी एकोमोडेशन दिखाओ, तो मैं अगर किसी फ्री टाइम में मैं एक वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं रहता हूं, क्योंकि भाई मैं पर्सनल रूम में नहीं रहता, मैं शेयरिंग रूम में रहता हूं, लेकिन मैं दिखा दूंगा जो कंपनी ने मुझे प्रोवाइड करी है किसी और वीडियो में। तो इसी तरह से आप प्यार बनाए रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे वाले आने में अगली वीडियोज़, अगर आप चाहते हो एजेंसीज़ की और वीडियोज़ आएँ तो शेयर करो वीडियो को, ताकि मैं और भी वीडियो प्रोत्साहन जिसे बोलता है, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतनी मैं वीडियो आगे से आगे ज़्यादा बनाऊँगा। और किसी ने पूछा था कि एक ऐसी कंसल्टेंसी दिल्ली के आसपास कोई हो जो वर्क परमिट विदेश के लिए दिलाती हो, तो उसके लिए भी वीडियो आएगी, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऐसी बना रखी है, 3 एजेंसीज जो सिंगापुर, मलेशिया, दुबई और यूरोप कंट्रीज़ में जॉब देती है, तो वहाँ पर भी जाके आप काम कर उनसे सर्विस ले सकते हो। क्योंकि देखो जितनी नॉलेज मुझे है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। आज के लिए बस इतने ही, आप घर जा रहे हैं और सोएंगे, धोएंगे, नहा धोकर सोएंगे, फिर सुबह काम पर जाएंगे। ये है होटलियर्स की लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।